दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बजे हैं। और तो मैं जा रही हूँ आज मायके से ससुराल की ओर। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अपन सकल दिखाने डार मान ससुराल को। और दीदी हो रही है बहुत ज्यादा खुश ससुराल को जा रहे हैं लड़के। होदी क्या लिचे गुद्दो कना है तू बीज बीजल के गौर। गाइस, हम लोग जो है कादरी खान से थोड़ा बहुत आगे को चले गए हैं। हमने लिया वहाँ से सामान और अब गाड़ी जो है हमें अभी नहीं मिली है। हम थोड़ा बहुत पैदल चलते हैं छुआ खान तक के लिए। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, थोड़ा मैं आपको कावली खान गांव का व्यू दिखा देती हूँ। आप लोग बने रहिए। जो मेरे पीछे से दिख रहा है, कावली खान के नीचे एक गाँव है। दीदी को हो रही है टेंशन, क्यों हो रही है टेंशन? लेके चलती हूँ दीदी के पास, दीदी से पूछती हूँ उसे टेंशन क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? तो टेंशन ही क्या करूँगी, पैदल जा नहीं सकती हूँ, अकेले में डर लगता है, अकेले में डर लगता है मुझे। और पैदल कितना जा, जंगलों का रास्ता है वहाँ से। अच्छा, तेरे तो मजे हैं, तू तो गाड़ी तक अपने घर तक जाएगी गाड़ी में। क्यों, मेरे को भी तो झागर शैम के गेट से 2.5 किलोमीटर आगे पैदल जाना होता है। 2.5 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, बता मेरे को। सो यहाँ पे हुए हैं बुलास के फूल। जूम करके दिखाती हूँ। अभी बारिश की वजह से गल चुके हैं ये है, ये रहे बुलास के फूल। ये है काफल का पेड़, इसमें आए हैं काफल। अभी काफल जो है बहुत छोटे छोटे दाने हो रखे हैं ये इस तरीके से। तो गाइस, हमारे गांव में जो है ना रोड के ऊपर से इतने बड़े बड़े चट्टान हैं, गांव में इस तरीके से होता है। कुछ भी नहीं दिया मम्मी ने, दीदी का बैग पूरा भरा हुआ है, बहुत भारी हो रहा है ये। अच्छा गाइस, यहाँ से जो है हिमालय का व्यू काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो में नहीं दिख पा रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं छुआ खान पे, और मैंने जो जाना है इस वाली रोड पे जाना है, और दीदी ने इसमें जाना है इस वाली रोड पे। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे। अकेले यहाँ को गाड़ियां नहीं जाती। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। सो गाइज, अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और यहाँ दरवाजे में ताला लगा हुआ है, इसको खोलती हूँ और
उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए में, और अब कपड़े चेंज करती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद, आप लोग तब तक के लिए बने रहिए। सो गाइस, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं और अब मैं बना रही हूँ खाना दोपहर का, दाल चावल। आप लोग बने रहिए, दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ पे मैंने बनाई हुई है मिक्स दाल और उसके साथ चावल बन रहा है। तो गाइस, खाना वगैरह खा के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो अभी उठ रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के चार बजे हैं, और चाय भी मैंने पी ली है। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखती हूँ। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ अपने खेत पे लकड़ी ले जाने के लिए। मैं आई हूँ अभी चाची के साथ, हम दोनों ले जाएंगे यहाँ से लकड़ियाँ। लकड़ी लेके घर आ चुके हैं, और अब जो है हमारे गांव में, मतलब हमारे घर में पानी नहीं आया है। पानी भरने जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को, बने रहिए आप लोग मेरे लिए। गाइस, पानी भी भर के ला चुकी हूँ, और टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज चुके हैं। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।